हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है टेकेस के चैनल 19 में। आज आपका फिर से तो फ्रेंड आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि फ्रेंड जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए कि मैं आज के स्टॉक के ऊपर बातचीत करने वाला हूं। सो फ्रेंड यदि इस दौर में फ्रेंड डिजिटल इंडिया है फ्रेंड, ऑनलाइन का जमाना है फ्रेंड, तो फ्रेंड सभी लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को मीशो में फ्रेंड जो है ऑनलाइन ऑर्डर जो आपने किया है फ्रेंड, ये जो डैमेज होता था, कटा है, फिटा है, तो फ्रेंड उसको हमने एक्सचेंज कैसे करेंगे एंड रिटर्न कैसे करेंगे, सारा कुछ प्रोसेस आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले। सो फ्रेंड वीडियो को थोड़ा भी स्किप किए बिना फुल वीडियो को वॉच कीजिए एंड चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि फ्रेंड हमारा जो है प्रोडक्ट हमने परचेज किया, हमने खरीदा है, यदि उसमें कटा फटा है, किसी प्रकार का डैमेज है, तो हमने इसको रिटर्न एंड एक्सचेंज कैसे करेंगे, सारा कुछ बताने वाले हैं। सो फ्रेंड बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो दोस्तों सबसे पहले हम अपने मोबाइल स्क्रीन में आएंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे मीशो ऐप पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे मीशो ऐप पर हमने क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप लोगों को दिखाते हैं। जस्ट यहाँ पे मीशो ऐप पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो है हमने ऑर्डर जो किया है यहाँ पे माय, जैसे हमने माय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये फ्रेंड हमने जो है रेसिंग लेटेस्ट मेन ट्राउज़र लोअर मंगाया था फ्रेंड। ये जो है फ्रेंड एक बार मंगाया था तो डैमेज हो गया था, दोबारा हमने इसको रिटर्न करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो कर रहा है एंड यहाँ पे ऐड रिव्यू एंड यहाँ पे इस पर हमने क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हमने क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा यहाँ पे प्रोडक्ट टर्न ऑन डैमेज। तो नेक्स्ट हमने क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट हमारा डैमेज है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमने इसका यहाँ पे फोटो खींच के जो है ऐड कर देना है यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके एंड उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बारे में लिख देना है नाइस प्रोडक्ट बट पॉकेट सिलाई स्टिक एंड धागा कट। तो फ्रेंड उसके बाद सबमिट पर हमने क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा एंड कंटिन्यू पर हमने क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा एंड उसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम अगेन एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए रिटर्न एंड एक्सचेंज ऑर्डर। तो फिर हमने यहाँ पे इसको वापस करना है क्योंकि फिर हमने दो बार, एक बार मंगाया तो फिर जो है इसमें जेबा में सिलाई में फ्रेंड प्रॉब्लम था, आयन कट था और दोबारा में भी यही प्रॉब्लम है, तो फिर हमने इसको रिटर्न करना है। तो फिर यहाँ पे रिटर्न करना है तो फिर रिटर्न एंड एक्सचेंज ऑर्डर पर हमने क्लिक करेंगे। यहाँ फिर डेट के हिसाब से फिर यहाँ पे ऑर्डर जो है वो रिटर्न एंड एक्सचेंज होगा, फिर यहाँ पे डेट लिखा रहता है। तो फिर यहाँ पे 10 जून के बाद हम जो है ऑर्डर को रिप्लेस या रिटर्न नहीं कर सकते। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पर हमने क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे चूज कर लेंगे डैमेज यूज प्रोडक्ट। तो फिर एंड यहाँ पे मिसिंग आइटम मिसिंग इन द पैकेज, तो हमने यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट डैमेज है तो यहाँ पे हमने इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा एंड यहाँ पे देखिए बहुत पैकिंग एंड प्रोडक्ट डैमेज। तो फ्रेंड हमने दोबारा पैकिंग वाला में जो हमारा प्रोडक्ट था वो भी डैमेज था तो हमने इस पर क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस करने लगा एंड यहाँ पे देखिए रिटर्न एक्सचेंज। तो यदि आपको एक्सचेंज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे एंड हमें तो एक्सचेंज नहीं करना है क्योंकि हमें रिटर्न करना है, तो हमने रिटर्न करना है तो रिटर्न पर हमने क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिख दिया है एक्सचेंज इज नॉट अवेलेबल ऑन एक्सचेंज प्रोडक्ट, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे एक्सचेंज का ऑप्शन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है क्योंकि एक बार एक्सचेंज हो चुका है तो यहाँ पे एक्सचेंज की वैल्यू अब नहीं है, तो अब ये प्रोडक्ट एक्सचेंज नहीं हो सकता है, ओनली रिटर्न हो सकता है। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे, जैसे ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे हमने फ़ोटो पहले से खींच के रखा है तो फिर यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर जो हमने फ़ोटो खींच के रखा है वहाँ पर इसको हमने ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पर हो चुका है एंड यहाँ पे सबमिट पर हमने क्लिक करेंगे। जैसे हमने सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए पिकअप एड्रेस, तो हमारा यहाँ पे जो एड्रेस रहता है वहाँ से पिकअप कर लिया जाएगा एंड सबमिट पर चलिए क्लिक करते हैं। जस्ट यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए
कुछ इसका इंटरफेस शो करेगा। तो फिर यहाँ पे आ चुका है बैलेंस, जैसे हमने किस यहाँ पे देखिए मीशो बैलेंस या मीशो बैलेंस में अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं आप जो प्रोडक्ट परचेज किए थे उसका बैलेंस अपने मीशो बैलेंस में लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। यहाँ जिस UPI या गूगल पे से आप ट्रांजेक्शन किए थे उसमें लेना चाहते हो तो वहाँ ले सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे आप UPI से ट्रांजेक्शन किया था तो हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिटेड, हमारा रिटर्न रिक्वेस्ट जो है ये सबमिट हो चुका है। वी विल टेक अप टू 24 आवर्स टू रिव्यू योर रिक्वेस्ट चेक स्टेटस। तो फिर यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं एंड यहाँ पे चेक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस हो जाएगा। सो फ्रेंड इस प्रकार से हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से मीशो से कोई भी प्रोडक्ट डैमेज हो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं एंड एक्सचेंज का ऑप्शन जब खत्म हो जाएगा तो हमें इसको रिटर्न कर देंगे। सो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।